हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे हम हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे एंड उसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो हम लोग आज के लेक्चर में अल्कोहल एंड ईथर के बारे में बात करेंगे, चूँकि फिनॉल के बारे में हमने ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कशन कर लिया है। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आपका 11th चैप्टर होगा पार्ट 2 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में क्लास 12 के, ठीक है। तो उसमें हम लोग ब्रीफ यहाँ पे बात करते हैं क्या सबसे पहले प्रिपेयर हम कैसे करेंगे अल्कोहल्स को। पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से प्रिपेयर करने का तीन मेथड है। पहला, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पे हम डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से यहाँ पे OH और H का एडिशन होता था, ठीक है। OMDM तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में ये एंटी एडिशन से ज़्यादा था और साथ ही साथ ये मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता था और यहाँ पे किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता था। ये सब के बारे में डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। अगला हमारा HBO सीन एडिशन से ज्यादा था, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता था और यहाँ पर भी तुम्हारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता था, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसलिए देखो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लेकर हमने एग्जांपल दिखा दिया, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्किन लेके हमने मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो कराया। अगला है कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे उसका देखो तरीका है। पहला, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हमें पता है कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ देखो एल्डिहाइड को रिड्यूस किया हमने 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस कर दिया 3 डिग्री अल्कोहल में। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो आपका मान लो कि अच्छा यहाँ पे कीटोन जो है वो तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म कर रहा होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से दो देखो कि जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो LiLH4, NaBH4, H2Ni, मेटल एसिड, सोडियम अल्कोहल, ठीक है। इनका हम कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं, मगर रेड फॉस्फरस नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है रेड फॉस्फरस जो होता था वो कंप्लीट रिड्यूस करता था। अगला है हमारा बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है और अगर वही एल्डिहाइड के साथ करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है और अगर कीटोन के साथ करता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो इसका रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में विद मैकेनिज्म देख रखा है। अगला देखो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस में तो यहाँ पे देखो हमने RX लिया, एक्वस KOH के प्रेजेंस में क्या बन गया, ROH बन गया। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल को प्रिपेयर कर लिया एंड इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। तो एक तो कॉमन होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर कंपेरेबल मोलर मास होगा तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग देखेंगे। और अगर मान लेते हैं कि मोलर, अगर मान लो कि ब्रांचिंग अगर सेम है तो फिर वहाँ पर मोलर मास जरूर तुम्हारा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा टू डिसाइड बॉइलिंग पॉइंट। अगला है, H बॉन्ड पॉसिबल है क्योंकि ROH में और H जो है ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने अल्कोहल का जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो हम कह सकते हैं H बॉन्ड पॉसिबल है और इसी के कारण इसे हम पोलर सॉल्वेंट के कैटेगरी में डालते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल होता है वो वाटर से क्या होता है, लेस होता है। वो इसलिए क्योंकि वाटर में H बॉन्डिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है दैन अल्कोहल, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है दैन अल्कोहल। और अगला है सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो यहाँ तक आप नोट करो, ये हो गया अल्कोहल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन जो होता है वो अल्कोहल का किस तरह से होता है। ध्यान से देखो, अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, अगर O और H का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो H पे प्लस आएगा, O पे माइनस। तो उस वक्त ये जो अल्कोहल होता है वो एक्ट करता है एज अ एसिड। लेकिन अगर मान लो R और O का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो OH माइनस बाहर निकलेगा, R पे प्लस होगा, तो उस वक्त ये बिहेव जो है वो करने लगता है एज अ न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं या एज अ बेस बोल सकते हैं कि तुम्हारा बिहेव करता है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने उसी को तुम्हारा अलग अलग रिएक्शन में कैटेगराइज कर दिया। अगर बॉन्ड B ब्रेक होगा तो उसका कौन कौन सा रिएक्शन होगा और अगर बॉन्ड A ब्रेक होगा तो उसका कौन कौन सा रिएक्शन होगा। तो अगर बॉन्ड B अगर ब्रेक होता है, देखो NCERT में इसी तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए ताकि आप NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ और अच्छे समझ में आ जाएगी बात आपको। तो अगर मान लेते हैं बॉन्ड बी अगर ब्रेक होता है तो बॉन्ड बी ब्रेक होने से पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। देखो जहां पे RO का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो RONA बन गया प्लस H2 गैस रिलीज हुआ। उसी तरह रिएक्शन विद एल्कली, ROH प्लस NaOH, यहां पर भी H जो है OH के साथ वाटर बना लिया, तो यहां पे RO बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, RONA, ठीक है।
एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसमें एस्टरीफिकेशन के मैकेनिज्म में हमने देखा था कि ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक होता था वहाँ पे, ना कि ओ और आर का बॉन्ड ब्रेक होता था, या आइसोटोपिक ऑक्सीजन लेके क्लियर हो जाता था। जब आर का ओ के साथ आइसोटोपिक ऑक्सीजन लेते थे तो यहाँ पर आइसोटोप ऑक्सीजन जो है वो हमें दिख जाता था। मतलब ये कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कभी भी ओ और आर का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो तुम्हारा बॉन्ड एक्चुअल में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, वो ओ और एच का ब्रेक हो रहा है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अल्कोहल जो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह अगला रिएक्शन है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हमें पता है, ये हमने जीओसी में भी कर रखा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू लेस माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। अब देखो, अगर मान लेते हैं बॉन्ड ए अगर ब्रेक होगा तो कौन कौन सा रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन है PCl5 PCl3 इनके साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता था, आर और सीएल लग रहा है, मतलब ये पक्का आर और ओ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो आर और ओ का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, आर से सीएल लग जाता है। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ HX। तो यहाँ पर रिएक्शन विथ HX में देखो, आर ओ एच को HX से कराए तो वाटर बन के बाहर निकला, मतलब आर और ओ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो RX यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, कुछ और रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड में बदलता है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। डिपेंड करेगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर माइल्ड होगा तो यहाँ तक रुक जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ तक जाके रुकेगा फाइनली। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो आप कीटोन फॉर्म कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो अल्कोहल का रिएक्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अच्छे से याद रखोगे। सबसे पहला, अगर ये 110 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो सल्फोनिक एसिड बनाता है, लेकिन अगर ये 140 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो ये आपका ईथर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और अगर 160 से 170 पे होता है तो ये अल्कीन बनता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे तुम्हारा फेवर करता है क्या, एलिमिनेशन। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है, और हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चूंकि एक्सोथर्मिक होता है इसलिए वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसलिए 140। तो ये तीन अलग अलग टेम्परेचर को अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि ये टेम्परेचर से भी क्वेश्चन इस पर रहता है सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर अगला है कि हम रिएक्शन डायोल का HX के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये भी हमने पढ़ रखा है। डायोल का रिएक्शन तो OH था, दोनों रिप्लेस होता था HX से, इस तरीके से बनता था। X वहां पे आयोडीन नहीं होगा, क्योंकि अगर X आयोडीन होता है तो एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन होता है तो I2 बाहर निकल जाता है और अल्किन फॉर्म कर लेता है। HIO4 के साथ हमने पर आयोडिक ऑक्सीडेशन पढ़ा था, तो उसमें तुम्हारा क्या होता था, यहां से बॉन्ड ब्रेक करता था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता था और OH लग जाता था तो एल्डिहाइड फॉर्म करता था। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर हम लोग ईथर के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब हम ईथर के बारे में बात करते हैं। ईथर ऐसे ज़्यादातर रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन हम लोग अल्कोहल से अगर प्रिपेयर करना हो तो देखो, अभी हमने जस्ट अल्कोहल से प्रिपेयर किया था सल्फ्यूरिक एसिड से 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका कपलिंग हो जा रहा था। आप ये सोचो, यहाँ से कभी भी हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म नहीं कर सकते, यही इसका डिमेरिट हो जाएगा। उसके बाद अगला है अल्कोक्साइड सॉल्ट, विलियमसन सिंथेसिस भी इसे हम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे मैंने यह पढ़ा रखा है विलियमसन सिंथेसिस में। तो अल्कोक्साइड सॉल्ट लेते थे और ये अटैक करता था इस पर और यहाँ से X को बाहर निकाल देता, तो आर ओ आर डैश फॉर्म कर जाता था। इस मेथड से सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर तुम्हारा ईथर जो रिएक्शन शो नहीं करता है, इसलिए हम लोग रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX पढ़ेंगे। इसका भी रिएक्शन हमने अलग से लेक्चर में पढ़ रखा है, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। अब देखो, यहाँ पे इथर है, पहले इसका प्रोटोनेशन होता था। अब डिपेंड करता है कि SN1 से जाएगा SN2 से जाएगा, लेकिन वो भी तुम्हारा डिपेंड करेगा किस पे, R और R' के नेचर पे। अगर R और R' जो है अगर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री होता तो फिर वो SN2 से जाएगा। तो देखो, यहाँ पे SN2 से जा रहा है, इस पाथ से SN2 से फेवर किया, किसी एक में लेस बल्कि वाले में X लग गया और तुम्हारा मोर बल्कि वाले के साथ अल्कोहल बन गया। और अगर ये SN1 रिएक्शन जाता तो पहले क्या होता है कि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनाता। देखो, R' को मान लिए 3 डिग्री, तो पहले कार्बोकेटाइन बना और अल्कोहल बन गया और उसके बाद R' के साथ X माइनस का RX यहाँ पे फॉर्म कर गया। इस तरह से एक और एरोमेटिक ईथर होता है, ठीक है, एरोमेटिक ईथर भी होता है। तो एरोमेटिक ईथर बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, ये इसे हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इसका अगर हम प्रिपरेशन करना चाहे तो हम आराम से कर सकते हैं। PHO- Na+ को अगर हम RX से अगर अटैक करा दे
तो पी एच ओ आर डस यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, पी एच ओ आर बना दिया। देखो यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया इसका। अब अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। तो सपोज अगर मान लो हमने हैलोजिनेशन करा दिया एक्स टू लुइस एसिड से, तो क्या बनेगा, ओ आर चूँकि एक्टिवेटिंग है तो एक्स ऑर्थो पे लग गया और प्लस एक पैरा का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, एक पैरा वाला, मैं यहाँ पे पैरा बस लिख दे रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर मान लो कि अगर हमने इसका नाइट्रेशन करा दिया तो एच एन ओ थ्री कॉन्क एच एन ओ थ्री और डाइल्यूट एस्ट्रोसो फोर में ये क्या बन जाएगा आपका, ओ आर लग गया, एन ओ टू एक ऑर्थो पे लग गया और एक पैरा पे बन जाएगा। इस तरह से आप सल्फोनेशन भी करा सकते हैं कॉन्क एच टू ओ सो फोर, तो सल्फोनेशन में एक ऑर्थो पे लग जाएगा और एक पैरा में बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका लिख दूँ, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ओ सी एच थ्री हो सकता है एरोमेटिक ईथर का, जिसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ा और ईथर के बारे में कैसे उसे प्रिपेयर करेंगे और क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, तो ठीक है। तो इस तरह से हमने अल्कोहल और ईथर के बारे में सारा ब्रीफ जो था वो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग ब्रीफ बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।